Hello students, today we will solve some more problems from the same unit, some basic concepts of chemistry. The problem number one is, yes, this is the problem. Problem देख के हमें पता चल रहा है, this is a type of redox reaction. Redox reaction को balance करने के लिए, divide the reaction into two half equations, then balance them separately and then add. So these two half equations are, MnO, in this half reaction, the oxidation state of manganese is plus 7, The oxidation state is changing from plus 7 to plus 2. It means reduction is taking place. So there is a difference of 5. Plus 7 से plus 2 change हो रहा है. इसका मतलब 5 electrons gain हो रहे हैं. तो वो gain किए हुए electrons हमने यहाँ पर रख दिए. Now we will balance the charge. यहाँ पर minus 6 है, यहाँ पर plus 2 है. तो charge balance करने के लिए we will use H plus acidic medium. ये हमें equation से पता चल रहा है कि acidic medium में reaction हो रही है. तो हम यहाँ पर 8 H plus add कर देंगे. तो चार्ज इज बैलेंस्ड. नाउ मैग्नीज इज बैलेंस्ड. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर नॉट बैलेंस्ड. तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी विल एड वाटर दिस साइड. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नाउ इन दिस इक्वेशन दिस इज C2O4 2 माइनस. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ऑक्सलेट आयन इज प्लस 3 एंड इन CO2 द ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस 4. ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस. ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक कार्बन के लिए प्लस 3 से प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है. तो वन इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है. तो टू एटम्स ऑफ कार्बन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर देंगे. नाउ बैलेंस द चार्ज. ऑक्सीडेशन स्टेट को रब कर दीजिए, कंफ्यूज करोगे. चार्ज इज बैलेंस्ड. पुट 2 हेयर. कार्बन इज बैलेंस्ड एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. अब हम इन दोनों को एड कर देंगे. Put this equation here. Oxidation states rub kar dijiye. Now add these two equations. Electron should be cancelled. To yahan par 2 electrons hai, multiply 5 se kar dijiye. Aur is equation ko multiply 2 se kar dijiye. To electrons will cancel. To ab add karke likh denge. 2MnO4 plus 16H plus, ये 5 है, 5 C2O4 2 minus giving 2Mn 2 plus 8H2O plus 10 CO2. Now check 2MnO4 16 5, दूसरी इक्वेशन का आ गया 2Mn 2 plus 8H2O and 10 CO2. तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वो x, y एंड z. तो x की वैल्यू 2, x वैल्यू ऑफ x 2, वैल्यू ऑफ y 5 एंड वैल्यू ऑफ z 16. तो अब ये देख लीजिए कौन सा पार्ट, b. तो b इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, If 1 milliliter of water contains 20 drops, then number of molecules in a drop of water is, ये 4 choices हमें given है. अच्छा, अब इस question में हमें क्या करना है? We know in 18 gram of water, how many number of molecules are present? Avogadro number. What is 18 gram? Gram molecular mass of water. तो in 18 gram of water, number of molecules are 6.02 into 10 raised to the power 23. तो हमें यहाँ 1 milliliter given है. The density of water is 1 gram per milliliter. तो 1 milliliter is equal to 1 gram. तो in 1 gram of water, how many molecules will be present? Avogadro number divided by 18. In 1 gram of water, 20 drops present है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन ड्रॉप ऑफ वाटर, व्हाट विल यू डू? यू विल डिवाइड इट बाय 20. तो 6.02 इनटू 10 रेस टू द पावर 23, इसको आप 20 से डिवाइड कर देंगे. और इसको यू सॉल्व दिस. सॉल्व करने पे द आंसर कम्स, वैल्यू कम्स 1.673 इनटू 10 रेस टू द पावर 21. तो दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल decomposes on heating to give carbon dioxide and 8 gram of magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate? First you will write equation.
It decomposes to give magnesium oxide and carbon dioxide. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, 24, 12, ऑक्सीजन 48, इट कम्स 84. तो 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट विल गिव 24 प्लस 16, 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलेगा, तो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स फ्रॉम 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्स फ्रॉम 84 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 8. तो इसको कैलकुलेट करके इट दिस वैल्यू कम 16.8 ग्राम. तो हमें कितना गिवन है, 20 ग्राम. ठीक है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, तो 16.8 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100, दिस विल बी द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी एंड इट कम्स 84%. द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी विल बी 84%. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स अपॉन कंबस्टन 0.72 ग्राम वाटर एंड 3.08 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन. जो वाटर की अमाउंट गिवन है, इससे आप निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, इससे आप निकालेंगे मास ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो दोनों का सम कर देंगे तो मास आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का. तो फर्स्ट स्टेप इज अमाउंट ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड इज इक्वल टू 12/44 इंटू 3.08. दिस वैल्यू कम्स 0.84 ग्राम. अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड 2/18 इंटू 0.72. नाउ कैलकुलेट दिस. तो 18 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर. तो वाटर में हाइड्रोजन कितनी है, 2, और ये हमें क्या गिवन है, मास ऑफ वाटर. तो 18 में 2 है, तो 1 में 2/18 और 0.72 में कितने हाइड्रोजन है. सिमिलरली अपने कार्बन के लिए 44 इज द मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो 44 में कार्बन कितना है, 12. 1 में कितना है, 12/44, और 3.08 में कितना है, इतना. नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू कम्स 0.08 ग्राम. दोनों को ऐड कर दीजिए तो मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा 0.92 ग्राम. नाउ यू विल फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.84/0.92 × 100. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 0.08/0.92 × 100. दोनों को कैलकुलेट करिए. द वैल्यू ऑफ कार्बन कॉन्स 91.3% एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कॉन्स 8.69%. नाउ यू विल फाइंड मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 91.3/12 एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 8.69/1. तो ये डिवाइड करने पर वैल्यू आती है, 91.3 को 12 से डिवाइड करिए, 7.60 एंड दिस विल बी 8.69. नाउ यू विल फाइंड सिंपल रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो डिवाइड बोथ द वैल्यूज बाय 7.60. 7.60 डिवाइडेड बाय 7.60 1. 8.69/7.60, दिस वैल्यू कम्स 1.1. तो सिंपल रेशियो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1. तो इंपीरिकल फार्मूला विल बी CH. क्लियर? तो बार क्वेश्चन तो सिंपल है, जो एक टेबुलर फॉर्म में भी करते हैं, मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स में दे दिया. क्लियर? तो बस एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर ये है कि कार्बन हाइड्रोजन का निकालकर टोटल मास आपको इन वैल्यू से ही निकालना है. तो ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.